जीवाया फाउंडेशन की ओर से रेशिमबाग स्थित डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के महर्षि व्यास सभागृह में लद्दाख कल और आज इस विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया था। इस मौके पर सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल संबोधित किया है। नामग्याल ने धारा 370 को हटाने के फैसले को साहसिक बताते हुए कहा कि पहले लेह लद्दाख के लोगों की बातें सुनी नहीं जाती थी, उसे बंजर भूमि का क्षेत्र कहा जाता था। हालांकि लद्दाख ने ही देश को उसका नाम दिया है। जम्मू के लोग लड़ झगड़ कर अपनी मांग पूरी कर लेते थे, लेकिन लेह लद्दाख के साथ ऐसा नहीं होता था। डिग्री कॉलेज तक नहीं थे, नौकरी नहीं मिलती थी, जिन्हें मिली उन्हें वेतन के लिए परेशान रहना पड़ता था। केवल दो कॉलेज थे जिसमें नाम मात्र पाठ्यक्रम थे। धारा 370 के अनुच्छेद हटाने के बाद विश्वविद्यालय खुल रहे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन कॉलेज आरंभ करने की पहल हुई है। यहाँ पे इस शिव जयंती महोत्सव 2020 के अवसर पे जो बोलने का विषय जम्मू कश्मीर लद्दाख कल और आज के जो विषय दिया मुख्य आधार पे, इस पे मुझे बोलने के लिए आदेश प्राप्त हुआ। और मंच पे विराजमान अगर मुझे नाम के उच्चारण में थोड़ा आगे पीछे हुआ तो क्षमा कीजिएगा क्योंकि वैसे मराठी का भाषा थोड़ा कठिन भी होते हैं हमारे लिए, क्योंकि वैसे भी हम हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हिंदी जो है हमारे देश की मातृभाषा है, इसको सीखना चाहिए। और एक हिंदी बोलने में, हिंदी लिखने में गर्व महसूस होना चाहिए। मराठी भाषा में मुझे सिर्फ एक ही शब्द आते थे पहले, खासदार। आज मैं दूसरा शब्द भी सीख के जा रहा हूं, आमदार। मैं इससे पहले पुणे आया था, फिर औरंगाबाद आया था, अभी महाराष्ट्र में मेरा ये तीसरा जो प्रवास हो रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने देश वालों के बीच में जाके थोड़ा लद्दाख के बारे में जानकारी दे और देश के बारे में मुझे जानकारी जो मिल रहा है। ये विषय जो है इतना विस्तार है, जम्मू कश्मीर लद्दाख कल और आज, जिस तरह अभी जो मेरे से पहले स्पीकर्स यहाँ से कह रहे थे कि इस देश को हमने एक कुल मिला के एक सक्षम राष्ट्र कैसे बनाना है और पूरे दुनिया में विश्व गुरु कैसे स्थापित करना है अपने आप को जो पहले थे, और उसी के संकल्प में भारत सरकार की ओर से हो या विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक संस्थाएं जो है अलग अलग से अपने प्रयत्न रहते हैं इस देश को कैसे हम आगे ले जाएं, उसी के संकल्प में जो इस बार धारा 370 कलम 370 का जो समाप्त किया, ये एक देश को आगे ले जाने का और पूरे दुनिया में भारत का जो सक्षमता दिखाने का एक संकल्प जो है, हम सबको इसका सराहना करना चाहिए। और ये केवल ऐतिहासिक कदम नहीं मैं मानता हूँ, ये साहसिक कदम भी है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे छत्रपति शिवाजी महाराज की। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को लेकर भाजपा सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल ने कहा है कि अति लोकतंत्र भी ठीक नहीं होता है, समाज में भ्रांतियां फैलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लद्दाख के लोकसभा सदस्य नामग्याल के अनुसार धारा 370 हटाने के बाद लद्दाख ने विकास की गति पकड़ी है, विविध मूलभूत सेवा क्षेत्र में विकास हो रहा है। लेह लद्दाख के विकास से देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी, सीमा क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना है, लद्दाख में लोग देश के लिए बलिदान देने को तैयार है, फिलहाल पूरे क्षेत्र की दशा बदली है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय बिरे की रिपोर्ट।